महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पहली बार एक साथ दिखे। दरअसल तीनों नेताओं ने बुधवार को मुंबई क्रिकेट संघ के चुनावों की पूर्व संध्या पर आयोजित विशेष रात्रि भोजन यानी डिनर डिप्लोमेसी में शिरकत की। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि पवार के उनके और भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करने से कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि उनका इशारा किस ओर था। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस मौके पर कहा कि पवार, फडणवीस और शेलार एक ही मंच पर, इससे कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ सकती है, लेकिन ये राजनीति करने की जगह नहीं है। हम सभी खेल के प्रशंसक और समर्थक हैं, इसलिए हम अपने राजनीतिक मतभेद के बावजूद खेल के विकास के लिए एक साथ आए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। एकनाथ शिंदे गुट के विद्रोह के कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह सीज कर दिया गया। दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए। हालांकि एकनाथ शिंदे का ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आपकी क्या है राय, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।